मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंप्लीकैड में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने देखे थे पैरामीट्रिक ब्लॉक्स, उसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर्स दिए थे। इस वीडियो में हम लीनियर पैरामीटर इस ब्लॉक को देंगे। लीनियर मतलब एक डायरेक्शन के अंदर। अब देखिए, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर जो ये एरोज दिखाई दे रहे हैं ये तीन लीनियर पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। जैसे ही मैं इसको सेट करता हूँ, देखिए ये आ रहा है, ये एक लीनियर पैरामीटर है, दूसरा ये एक लीनियर पैरामीटर है, तीसरा ये एक है। इसको जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए इसके आगे मैंने सेलेक्ट करते ही इसके आगे ये निशान आ गए हैं। ये निशान मतलब यहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये एक्सटेंड हो गया यहाँ तक, फिर सेलेक्ट किया, यहाँ एक्सटेंड हो गया, उसके बाद फिर किया ये। लेकिन इससे आगे हम इसको एक्सटेंड करना चाहेंगे तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। अब हम फिर पीछे आ जाते हैं इस पर, इसके बाद फिर इसको अगर मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ, पीछे स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो ये पीछे भी स्ट्रेच नहीं होगा। अब दूसरे पैरामीटर पर आते हैं। इसमें देखिए, इसमें पीछे की तरफ भी एक निशान है, तो हम इसको यहाँ तक भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे ही आगे की तरफ भी, यहाँ तक भी हम इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं वो हम स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन वो लिमिट ये है, जहाँ तक इसमें ये निशान लगे हुए हैं वहीं तक हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट दे दिया है। अगर हम इन कंस्ट्रेंट्स को हटा दें तो ये इस डायरेक्शन में अनलिमिटेड लेंथ तक जो है ये स्ट्रेच हो सकता है। इसी तरह से ये एक डायगनल पैरामीटर है, लीनियर है, लेकिन ये भी, इसको भी हम इसी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इनको हम किस तरह से देते हैं और किस तरह से हम ये इसके कंस्ट्रेंट डिसाइड करते हैं, कंस्ट्रेंट इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस ब्लॉक को डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पर हम ब्लॉक एडिटर के अंदर आ जाते हैं और ये जो हमने पैरामीटर दिए हैं इनको मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ। अब हम नए सिरे से इसके अंदर ये पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर देने के लिए हमें इस पैलेट में पैरामीटर्स टैब को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर हमें लीनियर को सिलेक्ट करना है। लीनियर सिलेक्ट करने के बाद हमें जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है हमें उस डायरेक्शन की तरफ जाना है। जैसे मैंने इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद इस पैरामीटर को मैंने बाहर यहाँ पर ये रख दिया। इसको रखने के साथ ही देखिए यहाँ पर ये एक एक्शन के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क येलो बॉक्स के अंदर आ गया है। अब लेकिन इसको हम एक्शन असाइन करने से पहले हम बाकी भी इसके अंदर पैरामीटर दे देते हैं। अब जैसे इसको मैंने इस डायरेक्शन में लिया और इसको यहाँ मैंने सेट कर लिया। अब तीसरा जो हम लेना चाह रहे थे जैसे इसमें, तो लीनियर मैंने यहाँ से ये इस डायरेक्शन में ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर ही मैंने रख दिया। अब हम आते हैं एक्शन पर। एक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें हमें एक्शन सेलेक्ट करना है स्ट्रेच। स्ट्रेच मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें सेलेक्ट पैरामीटर नीचे देखिए इसमें लिखा रहा है कमांड में सेलेक्ट पैरामीटर, तो हमने पहला पैरामीटर ये सेलेक्ट कर लिया हमने ये। अब देखिए मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर ये एक ऑरेंज कलर का एक देखिए सर्कल आ रहा है यहाँ पर, तो हमें लेकिन इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करना है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है हम उसको सेट करेंगे, तो इसको मैंने सेट कर लिया। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ स्ट्रेच। अब हमें सेलेक्ट करना है किन चीज़ों को हम स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको मैं हमें स्ट्रेच करना है। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ये कर लिया, इसको मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखिए ये इसके अंदर स्ट्रेच 3 का इसमें ये साइन आ गया है। अब लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क अभी भी इसमें से नहीं गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज पैलेट में जाना है और इसके अंदर मिसलिनियस में
देखिए नंबर ऑफ ग्रिप्स इसके अंदर, नंबर ऑफ ग्रिप्स ही में हमने इसमें वन कर देना है। वन करते ही देखिए ये येलो एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें से चला गया। इसी तरह से हम दूसरे पैरामीटर पे आएंगे और स्टैट को हम लेंगे और हमने ये पैरामीटर सेलेक्ट किया। उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमें इसको स्टैट करना है ये हमने लिया। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्टैट फ्रेम, स्टैच फ्रेम हमने लिया। ये स्टैच फ्रेम में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें केवल ये दोनों एंड्स ही, दोनों कॉर्नर्स ही स्टैच करने हैं और ये बीच का ये लाइन स्टैच करनी है तो हम इनको सेट करेंगे, लेकिन हमें ये पूरी टेबल ही ऐसे स्टैच करनी है तो मैं इसको इसी के अंदर एक और क्रॉसिंग विंडो लगा दूँगा। सेलेक्ट विंडो, देखिए विंडो मैंने किया था तो ये हुआ नहीं, इसलिए मुझे इसके अंदर क्रॉसिंग ही लेनी पड़ेगी, चाहे तो क्रॉसिंग पॉलीगन, क्रॉसिंग विंडो या फिर क्रॉसिंग लैसो, तो उसको हम ले सकते हैं इसमें। इसको मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिए फिर हम इसके अंदर जाएंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको वन कर देंगे। इसी तरह से ये थर्ड पैरामीटर को हम लेंगे, स्टैच एक्शन लिया, इसको मैंने सेट किया और मैंने इस डायरेक्शन को सेट कर लिया। उसके बाद फिर स्टैच में मैंने केवल इस कॉर्नर को सेट किया, देखिए उसके बाद फिर मैंने इस कॉर्नर को सेट कर लिया। अब देखिए ये इसको मैंने एंटर किया, ये आ गया यहाँ पर, पैरामीटर यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये यहाँ पर एक्शन का जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये भी नहीं गया है, तो इसके लिए हमें फिर वही करना है कि इसको हमें वन कर देना है। वन करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे एडिटर को और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए अब इसमें हम देखते हैं इसके अंदर, वो अभी इसके अंदर जो निशान आ रहे थे 1200-1500 वाले, वो अब निशान इसके अंदर नहीं आ रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में स्टैच होता जा रहा है। ऐसे ही इसके अंदर भी ये इस डायरेक्शन में कितना भी हम इसको स्टैच कर सकते हैं, सिमिलरली ये भी। अब हमें इसको कंस्टेंट देने हैं, कंस्टेंट देने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से पैरामीटर में जाना है। इसमें जाने के बाद हमें डिस्टेंस वन, इसको हमें सेलेक्ट करना है। देखिए एरो को सेलेक्ट नहीं करना, हमें डिस्टेंस वन इस पैरामीटर को सेट करना है। इसके अंदर वैल्यू सेट प्रॉपर्टीज पैलेट के अंदर देखिए आप वैल्यू सेट में डिस्टेंस टाइप नन है, अभी इसके अंदर नन के बदले हम इसको कर देते हैं लिस्ट या इंक्रीमेंट। इसके अंदर हम इसको लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट अभी लिस्ट वैल्यू ये इसके अंदर दी है। इसके आगे हम इसको सेट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें एक 900 की डिस्टेंस है। इसके अलावा हम इसको 600 भी इसके अंदर दे देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके अलावा हम 1200 ऐड और उसके बाद 2000 ऐड, तो 600 को हम अगर इसमें से चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट कर देंगे और हम इसको 600 के बदले हम इसको 750 इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिलीट करके इनमें से कुछ को हम ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखिए इसमें ये अब इसमें इसी तरह से ये निशान इसके अंदर आ गए हैं। ये बीच में 1500 पर नहीं जाएगा, ये 1200 पर आ गया। तो इसको मैं अभी एस्केप कर देता हूँ। एस्केप करने के बाद फिर से हम इसमें डबल क्लिक करके जाते हैं ब्लॉक में। ब्लॉक एडिटर में आने के बाद हम डिस्टेंस 2 को सेट करते हैं और इसमें डिस्टेंस टाइप मैं इसके अंदर कर देता हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिस्टेंस, इंक्रीमेंट हमें कितने इंक्रीमेंट में करना है, इसको मैं कर देता हूँ 125। अब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस अभी ये 900 है, इसको मैं इससे 250 कम कर देता हूँ। 250 कम करने का मतलब ये हो गया कि मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ 650। अब मैक्सिमम डिस्टेंस हम इसके अंदर
250 ऐड कर देते हैं, 1150। इसको मैंने बाहर सेट कर लिया, ये इसके अंदर डिस्टेंस सेट हो गई। इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए, अब मैंने ये सेट किया तो इसमें ये मेरे पास ये साइन निशान तो आ ही रहे हैं, इसको हमने देखा था। अब इसके बाद इसको देखते हैं हम, इसके अंदर देखिए ये अपने आप आ गए हैं। मैंने इसके अंदर ये लिस्ट नहीं दी, ये अपने आप ही इसके अंदर निशान आ गए हैं। इंक्रीमेंट है ये, मतलब ये 125 के इंक्रीमेंट के अंदर ये देखिए 775, 650, 125 का डिफरेंस है इसके अंदर। हम जितना भी इसको करेंगे ये 125 के डिफरेंस में ये कम या ज़्यादा होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।